ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है पी सच नानक खोशी पी सच कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण नाम विचारो को माटी का क्या धूप है स्वामी मानस की गत ए जेता समुंद सागर नीर भरिया एते अवगण हमारे दया करो किच मेर उपाव हो डूब दे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगे काती परनवत नानक हुकम पछाने सुख होवे दिन राती परनवत नानक हुकम पछाने सुख होवे दिन राती परम अनमान योग जवर शतर तख दे मालक परमेश्वर जी दा निज स्वरूप तन तन सतगुरु सहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनो सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमला विखे एकत्र हो करके आप जी ने सोदर रहराज साहिब जी दे जाप कीर्तन और सत्कार योग बाबा जी होरां पासों लड़ीवार सतगुरु जी दे अमृत बचना दी विचार और भाई साहिब जी होरां पासों सतगुरु दे अमृत बचन कीर्तन रूप अंदर हुणे सरवण कीते ने आओ जो सतगुरु गुरु कलगीधर सचे पातशाह जी दे पवित्र अमृत बचन आपां विचार रहे हां कल हजूर दे बचन विचारे सन सिमरो श्री खर राय अज हजूर बख्शिश कर दे ने कि श्री खर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए अठवें गुरुदेव तन गुरु हर कृष्ण साहब सचे पातशाह जी आप रहमतां बख्शा करन वाले उन्हां दे पवित्र चरण कमलां दी टेक लईए सतगुरु आप बख्शिश मेर करके विच वरतो आप हजूर अंदर दी एकाग्रता बख्श प्रेम भावना नाल अपने अमृत बचन दी विचार आप ही करा लवो करो कृपा साध संगत जी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहिब सचे पातशाह जी महाराज जिन्हां दा पावन पवित्र आगमन तन गुरु हर साहिब जी दे घर अंदर कीर्तपुर साहिब जी दी पवित्र धरती ते
स्थान शीश महल महीना जुलाई दासी ते सन 1656 नू खजूर दी आमद होई। सतगुरु गुरु हरि साहिब जी दे घर अंदर गुरु साहिब अठवें गुरुदेव तो वड्डे ताता बाबा राम राय जी भी ने। धन गुरु हर कृष्ण साहिब जी दे पवित्र जीवन नू जदो आपां पढ़ने आं 1656 दे अंदर हजूर दी आमद है 1661 दे अंदर सतगुरु जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने ए मार्च 1664 नू। तन गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने प्रभपुर प्याना कर दिता। 5 साल दी उम्र विच गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र तख्त दे मालक बने। 7 साल ते कुछ महीने बनते ने जदो गुरु जोत गुरु तेग बहादुर जी अंदर टिका आप जी प्रभपुर प्याना कर गए। धन गुरु हर कृष्ण साहिब जी दे पवित्र जीवन नू पढ़ के कई वरी उस वेले दे शंकावादियां ने ते अज भी तर्क कुतर्क करन वालियां ने कह दिता कि धन गुरु हर कृष्ण साहिब जी नू बाल उम्र विच गुरु बनाना ए की इस थां ते इस जगह ते आके कुछ घटना प्रतीत होई। पर गुरमुख विद्वाना ने उत्तर बड़े सोहने दिते। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे घर अंदर एक गल चेते रखिए उम्र करके ते आकार करके किसे नू वड्याई नहीं। इस घर दे अंदर उस मालक दी रहमत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी ने उन्हां महापुरुषां दे जीवन तो सेध लैण दी सानू रहमत करके प्रेरणा दिती जिन्हां दी उम्र तां देखिए ते बिल्कुल बाल है पर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे जे परमेश्वर ते अकीदा सिदक विश्वास ते भरोसा बनाणी ते इन्हां दो महापुरुषां दी जिंदगी तो अपने आप नूं कुछ सेध दे लै। उन्हां महापुरुषां दी उम्र कोई ओ बाबे नहीं किन्नी कु उम्र है उन्हां दी। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आपां बचन पढ़ने आ राम जपो जी ऐसे ऐसे ते इशारा किन्ना वल कीता है ध्रुव जी वल ते प्रहलाद वल। बाल उम्र है दोनां दी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब किन्ने रूहानियत दी अंदर दी कृपा दा संबंध तेरे उम्र दे तकाजे नाल नहीं। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। बाबा फरीद साहिब जी दी उम्र वल झाती मारिए जदो मां ने भगत भगती वल तोरे। धन गुरु नानक साहिब जी दे घर अंदर 94 साल दी उम्र विच बाबा धन गुरु अमरदास जी ओ भी सिख संगतां दा पार उतारा पै करदे ने ते इत्थे 5 साल दी उम्र अंदर धन गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह ओ भी इस जगत जलंदे नूं गुरु उपदेश दे के ठार दे पै। भाई साहिब भाई गुरदास होरां ने 3 उदाहरणां दित्तियां ने कि गुरु के सिखो सिख केवल उम्र ते शरीर करके नहीं ओ उस करके अदब करदा है उस शरीर अंदर गुरु की जोत टिकी है जोत ओही है काया भावे पलटदी रही। ताई भाई गुरदास नु ये शब्द कहने पै सन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे संबंधी के अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। एदा भाव यही सी के जोत ओही है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी 11 साल दी उम्र विच गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 9 साल दी आरबला बनदी है। धन गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह 5 साल ते कुछ महीने ने ते भाई गुरदास फिर अगो उत्तर देंदे ने 3 उदाहरणां दे के कहिंदे ने साध संगत के उम्र करके शरीर करके छोटा जान के मत समझी के शायद अगवाई नहीं कर सकते। भाई साहब ने बचन कहे उन्हां दे बचन साहब दे जीवन नाल टुकानली अर्ज करनी चाहन। भाई साहब कहिंदे खीरे नूं कदी खत ते रख के देखो ओदा भार किन्ना कु वे खीरे नूं तको ओदा आकार किन्ना कु वड्डा है। भार करके हीरा छोटा है हल्का है आकार करके छोटा है पर जदों किसे जोरी कोल उस खीरे नूं लै जाओ
ते जेड़ा उस हीरे दा कदरदान ओनू जानदा है ओनू पुछ के देखियो भी इस हीरे दी कीमत किन्नी कु है। एक छोटे जे हीरे दे बदले मनुख दा घर रुपया नाल भरिया जांदा है। भाई गुरदास दूसरा बचन करदे ने कहिंदे ने जदों पुरातन समय खुंडी कीती जांदी सी एक छोटा जिहा कागज दा टुकड़ा है जिदे ते खुंडी दे रुपये लिख दिते गए ने। कहिंदे ने उस छोटे जे कागज दे टुकड़े जदों ओह खुंडी तारी जांदी है उस दे बदले रुपयां दे ढेर लग जांदे ने। बोड़ दा बीज आपां देखने आं बिल्कुल सूक्ष्म है पर जदों ओही बीज धरती दे विच बीज दिता गया ते गुरमुखो इतना वड्डा रुख ओहदे विचों पैदा होया जिहड़ा सैकड़े बंदियां नूं तपदी कोई धुप तो बचा के अपने कोलों छां दे दिंदा है। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कि गुरु के सिख दी भावना गुरु के शब्द ते है ओनूं इन्ना कु यकीन है कि जैसे हीरा हाथ में तनक सह दिखाई देत मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। हीरा वेखण नूं छोटा है ते कीमत पै जाए दमड़ियां नाल घर भरे जांदे ने। जैसे हीरा हाथ में तनक सह दिखाई देत मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जैसे बर बांदे खुंडी लागत न पार कछ आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत बोए सह विविध करे बिरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में जानिए महात्म गई खर द्वार जी। इसे तरह गुरु के सिख जड़े ने ओ गुरु के शब्द गुरु के बचन नाल जुड़दे ने। तन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह ओही बचन करदे पए ने जेड़े बचन गुरु नानक साहब ने कीते ने। गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह ओही बचन करदे ने जेड़े तन गुरु अर्जन साहब जी ने कीते ने। अठवें गुरुदेव ओही बचन करदे ने जेड़े उन्हां दे पिता तन गुरु हर राय साहब ने कीते ने। हजूर कीरतपुर साहब दी धरती ते विराजमान ज्ञानी ज्ञान सिंह ने तवारी गुरु खालसा दे अंदर एक बचन कीता है ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अज दो बचन कहे। कहिंदे ने जदों गुरु हर कृष्ण साहब जी नूं त्यागे ते नाल शब्द वरत्या उन्हां दे कोई दर्शन कर ले ध्यान नाल ते दर्शन करन दे नाल तीजा बचन कह भी जितने भी दुख ने ओ सारे कटे जांदे ने जिन्ने त्याग लिया जिन्ने धन गुरु हर कृष्ण साहब जी दे दर्शन कर ले। आपां पढ़िया कि श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। हुण पहली अर्ज करनी चाहना कि सब दुख शब्द एक ऐसा है कि एक अद्धे दुख की गिनती नहीं। भावा आपां सतगुरु जी दे जीवन विच पढ़ने हैं कि रोगियां दे केवल रोग खंडे ने। तन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने कुछ रोगां दा जिक्र कीता है ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहिंदे ने जितने भी रोग ने तन गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह नूं तू याद कर ते उन्हां दे दर्शन करन वालियां दे दुख दूर हो गए। अर्ज करनी चाहना गुरु अर्जुन देव जी ने एक बचन कहे। फिर अगे आउणा थोड़ा जिहा इतिहास वल। असीं कई वारी अज इक बड़ा वड्डा सवाल है कि गुरु हर कृष्ण साहब जी की दृष्टि कि सतगुरु दे देखन नाल दुख दूर हो जाते ने। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों अर्ज करनी चाहन 18वीं अष्टपदी सुखमनी साहब जी की पढ़ियो। सतगुरु की उपमा विच गुरु साहब ने उच्चारण कीती है ते धन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने सिखा श्रद्धा ते यकीन विच गुरु कोल आई। कहिंदे ने सतगुरु कोल इन्नियां कु रहमतां ने कई ऐसे ने जेड़े गुरु जी दे आ के दर्शन करदे सन ते दुख कटे जांदे सन। कहिंदे ने कुछ ऐसे सन जेड़े चरणां नूं स्पर्श करदे सन ते दुख कटे जांदे सन। कुछ ऐसे सन जेड़े गुरु के बचन सुनदे सन ते उहनां दे दुख कटे जांदे सन ते कुछ ऐसे सन जिन्हां ते सतगुरु अमृत दृष्टि करदे सन ते आम रुलण वाले पापी बंदियां नूं वी सतगुरु कृपा करके संत बना दिंदे सन। एक गुरु दी बख्शिश दे तरीके ने। असी हजूर दे बचन पढ़ने हां सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
हुण इहदे अर्थ गुरमुख करदे ने जिहड़े कहिंदे ने कि गुरु दे दर्शन कीतिआं की मिल सकदा है। उह धन गुरु अर्जन साहिब जी नूं पुछो, सफल दा अर्थ हुंदा है कि जिहदे विचों फल मिले, सिद्धि मिले, सफलता मिले। कहिंदे गुरु के दर्शनां विच सफलता है, ते जदों सतगुरु दे दर्शन करेगा गुरमुखा, गुरु के दर्शन ऐसे ने जिहड़े तैनूं सफलता देणगे, ते गुरु जी दे नेड़े बैठे तेरी भैड़ी मत नाश हो जाएगी। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पवित्र हो जाएगा। कहन लगे सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। जदों सतगुरु जी दे चरण स्पर्श करेगा, निर्मल रीत दा अर्थ तेरे जीवन दी मर्यादा, तेरे जीवन दा ढंग, तेरे जीवन दी जुगती जड़ी एदे अंदर पवित्रता आ जाएगी। दर्शन सफल ने चरण स्पर्श करें ते साहब कहिंदे ने अंदर तेरा पवित्र हो जांदा है। हजूर कहन लगे सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। जदो सतगुरु जी दे नाल भेट दा अर्थ मिलाप होया, ते पार ब्रह्म दे गुण गाउणे शुरू कर दिते, ते साहब कहिंदे ने जिहड़े गुरु नूं मिल के रब प्रभु दे गीत गाउंदे ने उह परमेश्वर दी दरगाह विच प्रवान हो गए। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। गुरु के बचन कन्ना ने सुने ते मन जेड़ा ओ तृप्त हो गया, ओ रज गया। ते कहिंदे ने सतगुरु जी दे दर्शन कीते कि उन्हां दे अमृत बचना ने अंदर नूं टिका के रख दिता। सुनकर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखो जाता मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। कहिंदे ने पूरे सतगुरु दा ओ मंत्र जिन्हें कदी विणसना नहीं, ते जदों सतगुरु अमृत दृष्टि करदे ने ते प्यारिया साहब दी अमृत दृष्टि आम बंदे नूं वी संत बना दिंदी। ते कि गुरु कलगी वाले दे इन्हां बचना नूं गुरु के सिखा पढ़ के कदी शक ते तर्क विच पई ना। तन गुरु हरकृष्ण साहब दे दर्शन करे सारे दुख नाश हो जांदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पुछ लिए केड़े केड़े दुख ने जिन्हां विच बंदा तड़पदा पे। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बाबा फरीद साहिब ने भी दुखां दा जिक्र कीता। तन गुरु नानक साहिब जी ने भी जिक्र कीता। गुरु अर्जुन देव जी ने भी जिक्र कीता। हजूर कहिंदे ने अमृत बचन पढ़ने आ। बाबा फरीद जी ने ते उदाहरण दिती किन्ने जेड़े घर वसदे ने ना, चार शरीर जिस घर विच रहिंदे ने, चेते रख उस घर विच अग जरूर बलदी। फर्क सिर्फ इन्ना है कि कोई लकड़ां दी अग बलदा, कोई तेल पा के अग बलदा, कोई होर गैस नाल अग बलदा, पर जिथे चार जी ने उथे अग बलदी है। ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने दुख भी सर्व व्यापक है, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर दे अंदर दुख दी चिंग झुलकदी नहीं पई। सह बाबे फरीद जी ने अमृत बचन कह कहिंदे ने फरीदा मैं जानिया दुख मुझको। पहला अर्ज करनी है केड़े दुख ने जेड़े गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह तुसी कट देंदे हो। इस करके गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दे आधार ते कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द तो अगे बड़ी वारी अर्ज कीती है, होर मेरे कुल कोई दलील नहीं। साहब जी कहिंदे ने आखन लगे कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग ते अज समझ पई है उच्चे चढ़ के देखिया ता घर कर यह अग। हर घर दे अंदर दुख दी अग पई बलदी। साहब गुरु नानक साहब जी नूं पुछया ते उन्हां शब्द वरते, कहन लगे बाली रोवै नाहीं पतार, नानक दुखिया सब संसार जिन्हू झाती मारने ओ दुखी है। खजूर जी ओ दुख केड़े ने जिन्हां नूं असी सुख समझने आ, दरअसल ओ कमाई करन वालियां दी नजरां विच सुख नहीं। हजूर दे अमृत बचन पढ़िए गुरु अर्जुन देवता कहिंदे ने असी ए कहने आ कि खान नूं चंगा मिल जाए, पान नूं चंगा मिल जाए, चार बंदे पिछे वाह वाह करन वाले होण, ते नाल साडी बिरती हुंदी है कि मेरे को रहण वास्ते घर अत दा सोहणा होवे। हजूर कहिंदे ने कि ए सुख है,
धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे बसंत स्वर्ग लोकै जित्ते पृथ्वी नव खंडने, जिन्हू तू सुख कहना दरअसल ये सुख है नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब नू ध्यान है ते सब दुख केड़े ने, कहिंदे ने बसंत स्वर्ग लोकै जित्ते पृथ्वी नव खंडने, बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमणे। तू इनू राज नू सुख पालना पिया है, पर गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने तू तो इस तरह भटक चुका है जिवें एक भयानक जंगल दे विच राही कोई भटक गया होवे। बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमणे, कौतक कोड़ तमाशिया चित ना आवश ना। साहब कहिंदे ने दुख सब तो वड्डा एही कि जिथे नाम भुल जाए उथे दुनिया दे सारे सुख भी दुख बन जांदे। कौतक कोड़ तमाशिया चित ना आवश नाऊ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थां। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए केड़े दुख ने, हजूर कहिंदे ने हर बिसरत सदा खुआरी, तां को धोखा कहां व्यापै जां को ओट तुहारी। मालक जी सब तो वड्डा दुख ए कहिंदे ने बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। तू सुख कहने पर नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। प्यारिया नाम तो बिना दुख है। तन गुरु अर्जुन साहब नु पुछो, हजूर कहिंदे ने सुंदर सेज अनेक सख सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए वसूरे, सो प्रभ चेतना आवई बिष्टा के कीरे। ए सुख नहीं बिन हर नाम ना शांत होए, कित बिद मन तीरे, नाम तो बिना अंदर नु टिका नहीं। ये सारे सुख जेड़े ने ये दुख रूप बन जाते ने। तवज्जो दियो, धन गुरु नानक साहिब जी ने चार दुख बड़े वड्डे मने ने। एक दिन शायद अर्ज कीती सी ते गुरु हर कृष्ण साहिब जी नू त्याइए ते सारे दुख कटे जाते ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह कृपा पै करते ने, गुरु नानक साहिब जी कहते ने चार दुखा विचों सब तो पहला दुख जेड़ा है उनू हजूर ने विछोड़ा के है। साहब कहिंदे ने दूसरा दुख है अंदर दी भुख, तीसरा दुख है कि मौत दा जमदूत दा डर, ते चौथा दुख तन गुरु नानक साहब कहिंदे ने शरीर नू कोई रोग लग जांदा। असी केवल ओही दुख जानने हैं तन नू लगे। साहब ने अमृत बचन कीते कह लगे दुख विछोड़ा एक दुख भूख। हजूर कहिंदे ने जेड़ा परमेश्वर तो विछड़े है कि ए दुख नहीं, सब तो वड्डा तेरी जिंदगी विच दुख ही एवे के करते पुरख मालक दे चरना तो तेरा विछोड़ा पै जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, भूख दा अर्थ ते तृष्णा है। दूजा दुख तेरे अंदर लगा है के अंदर कदी भी रजिया नहीं, ते सियाने लोग कहिंदे ने ते तृष्णा ता ओ बाल्टी है जिदा थला है ही नहीं। किन्ने आकार ता है इनू लज पा के खूह विच जितना मर्जी सती जाइए, ते जदो सोचांगे शायद बाल्टी भर गई है भारा हो गया है भारी कोई बाल्टी है, ते ओ बुद्धि जीवी कहिंदे ने के कदी बाल्टी नू बाहर खिंच के देखो जिदा तला नहीं ओ बाल्टी कदी भर के बाहर नहीं निकलती हुंदी, कदी ओ रजी नहीं। तृष्णा ता एक छाननी दी तरह है, कदी देखे उनू तृप्त हुंदी नू। सहब सच्चे पातशाह कहिंदे ने के भी दुखी, हजूर ने कृपा कीती दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन ताए, एक तन नू रोग लग जाए। कहन लगे प्यारे ए भी एक बड़ा वड्डा दुख है। सहब कहिंदे ने के देख दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद ना भोले दारू लाए, ओ भोले वैदा तेरे कोल एदी दवाई नहीं। फिर एथे पुछना पैगा गुरु ग्रंथ साहिब दे बचना विचों ओ दवाई कित्थों मिलेगी, ते तन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उन्हां रोगां दा इलाज इन्हां दुखां दा दारू केवल पूरे गुरु दे कोल। तन गुरु हरकृष्ण साहिब जी कीरतपुर साहिब दी धरती ते 5 साल कुछ महीने दी उम्र विच गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे ने उस वेले भी कई चुक वालिया ने एक गरीब ब्राह्मण जिदे तन ते रोग सी
तन गुरु हरकृष्ण साहब जी दी पालकी बाहर पी जांदी ते इको दम रस्ते विच उहनूं लुटा दिता ते गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी लंघे ने ते ए रोग नाल कुरलांदा पिया सी, रोग नाल विलकदा पिया ते आवाज देख के कहिंदा सी कि गुरु नानक साहब जी दे जोत दे मालक कृपा करो मेरे रोगी दा रोग खंडन कर देवो। उत्थे पहली घटना दा जिक्र गुरमुख विद्वान करदे ने, तन गुरु हरकृष्ण साहब जी रुके ने ते अपना रुमाल उस रोगी नूं दिता गया ते कहन लगे एदे तन नाल एदे मुख नूं इस रुमाल नाल साफ करो। अर्ज करनी है गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विचों, कई वारी जदों इहो जिहियां घटनावां असीं पढ़ने आ पता नहीं इन्ने को अंदर खिल चुके ने। गुरु ग्रंथ साहिब ने तो कहा सी गुरु नु मानक का कर रूप ना जान, केवल मनुख दा रूप ना जानी, जे साई नु देखने ते अपने गुरु ते रब वर्गी श्रद्धा रख। तन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने रुमाल दिता है ते सिख विद्वान कहिंदे ने उस रुमाल दे स्पर्श करन दे नाल जेड़ा रोगी विलकता पिया सी मेरे मालक दी कृपा होई उनू आरोग्यता दी दात मिल गई। सतगुरु जिथे आप कृपा करके उस प्रभु दे चरणा विच अभेद ने ते ओही गुरु नानक साहिब जी दे घर दी मर्यादा विच कोई विघन नहीं, उसे तरह दीवान सजदे ने, उसे तरह गुरु कीआं संगतां कीर्तन कथा आ के सुनदियां ने। समां बतीत हुंदा गया, इधर राम राय नूं पता लग चुका है कि मेरे छोटे भराता गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने, अंदर साड़े ने, ईरखा ते कीने ने टिकन नहीं दिता, अग दा भांबड़ मानो बाल दिता ते यतन करदा पिया कि किसे तरीके दे नाल ए गद्दी ए तख्त मेनू हासिल हो जाए। पर गुरमुखो कल भी अर्ज कीती सी चतुराई सियाणप ते बल नाल इस तख्त दा मालक कदी कोई नहीं बनिया, ए ता साईं दी रहमत है। सब तो पहला राम राय ने मसंद खरीदे ली, उन्हां नूं कहिंदा है तुसी मेरे लिए जाके संगत विच प्रचार करो, अपने वल्लों इन्हें कई संगतां नूं कई मसंदां नूं सरपाओ भी भेजे ने कि तुसी मेरा प्रचार करो, अजमत मेरे कोल है, वड्डा पुत्र मैं हां। तन गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं गुरता गद्दी दा कोई हक नहीं, मसंदा ने प्रचार भी कीता उथे ता कहिंदे ने राम राय दे मसंद ता शरे आवे कह लग पै सन कि साडे बाएं हाथ दा खेल है, किसे नूं गुरु बना लेना ते किसे नूं गुरु हटा देना। पर सिदक वाले भावना वाले कदी डोले नहीं, जिन्हां नूं यकीन सी ओह तन गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरणां विच जुड़े रहे। राम राय जी जदों पेश ना गई इन्हें फिर पैंतड़ा बदले, औरंगजेब दे नाल इहदी गंढ त्रुपता सी मन विच आया, तन गुरु हर राय साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान करदिआं इक बचन कह के गए सन, पहली गल के दिल्ली जाना नहीं ते जे किते दिल्ली जाण दा समा बन जाए नए मलेश को दर्शन दे है। किन्ने औरंगजेब मलेश बिरती वाले उन्हें सतगुरु दे घर अंदर पाड़ा पाण दा यतन कीता, बेटा पहली गल दिल्ली जाना नहीं, जे किते मौका लगे ते हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब उन्हूं तुसी अपना दर्शन दीदार नहीं देना, उन्हूं जाके मिलना नहीं। ते तन गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने इस असूल नूं इस गुरु के हुक्म नूं पल्ले बनिया। जिहड़ी अर्ज करनी चाहना साहिब दे जीवन दी दृढ़ता, राम राय दिल्ली बैठा है इन्हें नवी चाल चली है, औरंगजेब नूं कहिंदा है कि देखो तख्त दा वारस तां मैं बनना सी पर देखो तेरे नाल मेरी सांझ होण करके पिता गुरु ने मैनूं तख्त नहीं दिता, मैं तेरे कोल फरियाद करना, ये तख्त मेरे कोल आउणा चाहीदा। दूसरी गल कहिंदा जे करामात देखनी है ते तुसी हर कृष्ण साहिब जी नूं दिल्ली बुलाओ, गुरु हर कृष्ण साहिब दिल्ली आउणगे, उन्हां कोल तां करामातां मेरे तो वध ने। अपनी गल नूं आप कट पिया कर गए, एक पासे कह रहा सी उम्र करके मेरे तो छोटे नहीं ते दूजा ओदा अंदर मन रहा है कि जिन्हू थापना गुरु हर राय साहिब दे गए ने
मैं उन्हां सामने कुछ भी नहीं। कहिंदा उन्हां नूं बुलाओ, उन्हां कोल करामातां अजमतां बहुत ने। कियो जी चाल खेडी कि जे गुरु हरकृष्ण साहिब दिल्ली आउणगे, करामात दिखाणगे ते रौला पाऊंगा कि मैनू एवें माड़ा कहिंदे हो, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਤ ਪੈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨੇ ਪੱਤਾ ਸੱਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਏ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਏਗੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੂਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਪਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਦੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਨਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਵਾ। ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਆਵਾਦ ਪੁਰਖ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਮਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
उन्हां दी आरबला बच्चियां वाली है, पर कार नामे ओ बाबियां वाले कर गए ने। सोची दे उम्र नूं ना तकी, इत्थे 5 साल ते 7 साल दी उम्र विच गुरु के फरजंद सूबे दी कचहरी विच खलो के अपने तन नूं कुर्बान कर सकदे ने, ते चुकणगे नहीं। ते इत्थे 80 कु साल दे करीब बाबा दीप सिंह खबर मिले ते कलम दी लिखारी, कलम ते धनी, कलम नूं छड के हाथ विच खंडा पकड़ सिर तली ते रख के गुरु रामदास जी दे दर ते पहुंच जांदे। गल उम्र दी नहीं, गल उस साईं दी कृपा दी है, उन्हें केड़े वेले ए सेवा लै लेनी। तन गुरु हरकृष्ण साहब कीरतपुर साहब दी धरती तो चले ने, ते हजूर नूं पता है कि ऐस तन दे अंदर परत के इस धरती ते आउणा नहीं, सिख संगत नाल तुरी है। तन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे माता भी नाल चले ने। कुछ गुरमुख विद्वान कहिंदे ने बहुत भारी तादाद भी संगत तुरी। तन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पहला पड़ा कीता ते कह दिता तुसी अपने घरां नूं चले जाओ, असी अगे कौन जाएंगे। किन्ने जदो रोपड़ दे नजदीक पहुंचे ने ते इधरों काबल ते कधार तो संगत पहुंची सी, जिन्हां विच बजुर्ग भी सन, बच्चे भी, माइयां बीबियां भी। जदो कीरतपुर पहुंचे ते श्री कीरतपुर साहब दी धरती ते पता लगा के 8वें गुरु देव सच्चे पातशाह दिल्ली नूं जांदे पए। एक सिख पिछे दौड़िया, सतगुरु संगत आप जी दे दीदार लई आई है, कृपा करो दर्शन बख्शो। वेखो गुरु की संगत लई भावना वाले लई गुरु दे अंदर किन्ना कु प्यार। धन गुरु रामदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन कहा, कहिंदे ने सिखा जिवें एक मां दी कुख विच पुत्तर पलदा है, जदों जन्म हुंदा है कहिंदे ने हाला ओ बच्चा तोतली जबान विच बोलदा है, ते मां पहले ही अपने मन दे अंदर फुरने बना लैंदी है, मेरा पुत्तर वड्डा होवेगा, कमाई करके लियावेगा, सुख नाल बह के घर खांगे। कहिंदे ने जदों पुत्तर दे उस दे बच्चे दे मुंह विच कुछ पांदा है ते मां बदो बदी उस बच्चे नू संभालन वाले लई, उस बच्चे नू प्यार करन वाले लई, उस बच्चे दे मुंह विच रोटी पान वाले लई कुर्बान जांदी है। कहिंदे ने सिखा जे मां पुत्तर नू रोटी मिले ते आप दी परसाने, ते जदो सिख कालना कालदा मेरे गुरु नानक साहब इस तरह प्रसन्न हुंदे ने जिवें जवान हुंदे पुत्तर नू देख के मां प्रसन्न हुंदी। साहब ने अमृत बचन कहे ने, कहन लगे माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। यही कारण भाई जेठा जी बेमौसमे अंब लै के आए सन। ज्ञानी ज्ञान सिंह कहिंदे ने रस्ते विच जदो ओ खराब होण लगे रस चोवे, ते गुरु अमरदास जी दा ध्यान टिका के चूस लै, ते जदो गए सोचिया पता नहीं सतगुरु ली लै के आया सा, ते आउंदियां सार क्या कहन लगे जेठा जी नूं के अंब बड़े स्वादी सन, रस विच मिठास बड़ी सी। प्यारो असल विच ए अंदर दी खेड ए कर्म कांड नहीं, कभी तको सिख छोटी मक्खी दा शहद लै के आउंदा पिया है, ते रस्ते विच भाई कट्टू कहिंदा मैनूं एक चिमचाई शहद दा दे दे, ते देण वाला कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहिब लई ने तेरे लई नहीं, ते जदों लै के उत्थे भांडा जांदा ते शहद विच किरम ने, ते सतगुरु देख के कहिंदे ने किदे लई लिया है, कहिंदा दातार लियांदे तुहाडी भेटा, ते इह की कारण। कहिंदे जदों मैं आप तरले लै के मंगदा सां उदों तू दित्ता नहीं, कौन भांडा किस काम है। इहदा मतलब गुरसिखां अंदर सतगुर वरत है कि सिख अंदर गुरु वरतदा है। गुरु का सिखो गुरु हरकृष्ण साहिब रुके ने। सिख संगत दे लई काबल तो आई संगत ने दर्शन कीते ने, मेरे दातार ने रहमतां नाल झोरियां भरियां ते नाम दान दा उपदेश दे के पिछा तोरे। हजूर सफर करदे अंबाले दे नेड़े पिंड पंजोखरे विच पहुंचे ने। दातार दे जीवन दियां कुछ कु घटनावां ने जिहड़ियां आपां सारे जानने वी। पंजोखरा साहिब हजूर पहुंचे ने, इत्थे इक बड़ा महान विद्वान पंडित सी जिहदा नाम लाल चंद दस्या गया है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾੜਦਾ ਵੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣ ਚ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਵੇਂ ਕਰੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਖਾਇਆ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਭਰਮ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖੈਣ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਗੰਢ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਲੀਮ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੋਖੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੋਲਾ ਕਮਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਖਰਜੂ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੂ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਂਡ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਖੋ ਚੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕੇ ਨੇ।
जेड़े घरों रोंदे जांदे ने तू ये कोई खुशी की खबर देना वह घर हसदे कोई पढ़दे ओदे विच एक बचन कह कहिंदे ने तुसी कृपा करो जे तू अपनी मर्जी ते आवे जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे मेरे मालिक तेरे हाथ विच ताकत है ते गुरु हरकृष्ण साहब दे जीवन नूं पढ़दिआं इस बचन नूं भुलाइओ ना जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी मत मान करी मना खल जेड़ा मूर्ख मनुख है ओनू पंडित बना देंदे ही ते जेड़े अपने आप नूं पंडित कहिंदे ने किन्ने ओना नूं मां मूर्ख बना देंदे खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी गुरु अर्जुन साहब ने एक बचन कहा कहिंदे ने मालक जे तुसी कृपा करो मच्छर दा दाना किन्ना कु हुंदा है छोटा जिहा मच्छर कमजोर मनुख चुटकी नाल मसल सकदा है तां गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने जे तेरी नजर हो जाए मेरे साईं मच्छर टक्कर मार पहाड़ नूं तोड़ सकदा है कहिंदे कीड़ी तां सुक्की मिट्टी नहीं तुर सकदी जे तुसी कृपा करो तां ओह चिक्कड़े नाले नूं पार कर सकदी है पिंगला बंदा तां अपने पैरां नाल तुर नहीं सकदा जे तेरी मेहर हो जाए मेरे मालक जी ओह पहाड़ की चोटी ते चढ़ सकदा है कहिंदे मस्कन पगनंत सैलन करदमन परंत पपील कह सागरंग लघंत पिंग तम प्रकाश अंध कह अंधे नूं चन बख्श दिंदे ने अज सभा लगी है ते उथे फिर वह बचन करते ने कहिंदे धन गुरु हरकृष्ण साहब कहिंदे ने पंडित जी एदे तो अर्थ कराने चाहते हो कहन लगे हां कहिंदे ने जदो धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर्शन किते ते छज्जू झूर दा अंदर अपने आप चुग गया सतगुरु दे चरणा विच नमस्कार कीती मेरे अठवें पातशाह जी ने जिन्हां नूं अमृत दृष्टि जिन्हां दी सारे दुख दिए एक ता अपनी अमृत दृष्टि कीती ते इशारा करके उस छज्जू नूं नेड़े कर लिया ओदे सिर ते अपनी साहब ने कृपा करके छड़ी सोटी रखी ते नाल क्या बोल छज्जू जो ए अर्थ पुछने चाहुंदा है तू एदे एक एक सवाल दा उत्तर दे कहिंदे ने कि जदों ओ पंडित लाल चंद ने देखिया ते छज्जू दे चेहरे दा रंग तब्दील होया जेड़ी जबान जमांदरू गुंगा सी जेड़े कन कदी सुन नहीं सुन सकदे मेरे दातार दी अमृत दृष्टि होई ते इको दम मानो सुका होया शरीर जिवें खरा हो गया रसना बोली कन्ना ने सुनिया ते पंडित लाल चंद नू निर उत्तर कर दिता कितना चंगा हुंदा किते विद्वाना ने ओ गोश्त अखरा विच सांभ के रखी हुंदी तन गुरु हरकृष्ण साहब दी हजूरी विच जो लाल चंद बोलदा है ओ अर्थ कट समझदा सी ते कहिंदे ने एक एक शलोक दे 11 11 22 22 अर्थ कर गया छज्जू चूर ते इको लम लाल चंद दा अंदर चुग गया तन गुरु हरकृष्ण साहब दे चरणा विच डिग के कहिंदा है खे दातार कृपा करके मैनू खिमा कर दे साहब कहिंदे ने विद्या पढ़नी लाल चंद बड़ी उत्तम गल है पर जेड़ी रूहानियत ते प्रभु दी खेड है ना इनू केवल अखरा तक सीमित ना समझी इनू केवल उम्र तक सीमित ना समझी तन गुरु हरकृष्ण साहब उन्होंने चरणा दा ए भवरा बन गया कदी तकियो एक नहीं पता नहीं किन्ने कु बख्शा लै गए असी तकने पया पिछले दिन अर्ज कीती सी गुरु रामदास किस तरह तो तलीम लई पर की रागा विच बाणी उचारण कीती भाई धन्ना सिंह रोज गुरु कलगी वाले दे घोड़िया लई घा खोतर के लिआउंदा है 51 कवि सन ते जिदन कलगी वाले ने चंदन कवि दा उत्तर देन लई उहने एही कहा सी कि मेरी कविता तुहाडे दरबार विच कोई समझ नहीं सकदा ते साहिब ने कहा सी इहो जी कविता दे अर्था मेरे घर दे घाई वी कर दे दे भाई धन्ना जी एक नजर कीती ते अर्थ कर गया मैं संखेप विच अगे तुरां ए सतगुरु दे दर दी बख्शिश है तन गुरु हरकृष्ण साहिब इथों चल के रस्ते विच रहमतां कर दे दिल्ली दी धरती ते पहुंचे ने ते जिथे अज आपां गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दे दीदार करने आ मेरे सच्ची सरकार ने इथे जाके टिकाणा कीता इथे तन गुरु हरकृष्ण साहिब आए
संगत उमड़ के दातार जी दे दर्शना ली आई। सवेरे शाम दीवान सजन लगे, कीर्तन कौन लगे, संगता नू जी दान मिले। इत्थे दो गल्लां ने इतिहास विच, कुछ विद्वान कहते ने कि राणी ने आप प्रीख्या लई। एक गुरमुख विद्वान लिखते ने कि औरंगजेब की यह चाल सी कि राजन जे इस तरह सतगुरु दे मैं दर्शन नहीं कर सकता। हजूर ने कहा सी कि औरंगजेब नू मैं दर्शन बिल्कुल नहीं देने। वाह किन्नी कु दृढ़ता, कदी तक्यो गुरु हर राय साहब दे दो पुत्र ने, एक दिल्ली दरबार विच बैठा होया, बादशाह दी खुशामद प्या करदा है, ओ बादशाह दे बूवे ते खलो के बादशाह नू मिलना चाहता है, ते दूसरे गुरु नानक साहब दी जोत दे मालक ने उस बादशाह दी राजधानी विच बैठे हुए, कहिंदे जितना मर्जी यत्न कर ले मैं इस मलेश नू ना दर्शन देने ने ते ना इहदे नाल कोई गल बात करनी। इन्नी कु दृढ़ता। इत्थे कहिंदे ने सोचिया कि राजा जय सिंह इहदी राणी महला विच औरंगजेब दी कहिंदे ने चाल सी कि ओनू तू वस्त्र चेंज करा के भेक वखरा गोलियां वाला करा, ते जे गुरु हरकृष्ण साहब ओनू ना पहचान सके ते मैं भी भेष बदल के दर्शन कर लवांगा, ते जे ओ रहमता उन्हां कोल ने ते राणी नू पहचानणगे। कुछ ए कहिंदे ने, कुछ आखदे ने कि जय सिंह दे मन विच भी थोड़ी जी राई मात्र आ गई सी कि बाल उमर राणी दे मन विच आई। इस उमर विच तखत दे मालक तन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी जदों महल विच गए ते राणी ने गोलियां वाले कपड़े पाए ते गोलियां ने पटराणी वाले बस्तर पाए, सारियां बैठियां ने ते साहब सारियां विचों निकल के गए, हाथ विच सोटी पकड़ी, ए क्या ए भी पटराणी नहीं, ए भी पटराणी नहीं, ते जेड़ी पटराणी सी ओदे सिर ते छड़ी रखी ते गोद विच बैठ गए। कहन लगे है राणी कपड़े गोलियां वाले पाए नी, अगले पिछले पूर्वले बीजे करके राजे दे घर दा साथ मिलया, ते जे अगे कर्म ना चंगे कीते ते गोलियां नालो भी नखिद जीवन होवेगा। दूजे बचन कह कहने गुरु की प्रीख्या लेनी है, शब्द सन चेते रखी, गुरु नू कदी भी कोई सवाल विच अड़ौनी विच पसा नहीं सकदा। गुरु ते कोई प्रीख्या सवाल नहीं, पर जिदन गुरु ने परचा पा लिया उदो कवे निकलोगे। तन गुरु हरकृष्ण साहब दे चरना मल ओ राणी चुक गई, साहब ते पूर्ण यकीन बन गया। गुरमुख इथी औरंगजेब ने फिर यत्न किया, कुछ गुरमुख कहिंदे ने अपने पुत्र नू भेजिया, हजूर ने ओनू दर्शन दिते। औरंगजेब ने फिर यत्न किया ते साहब तन गुरु हरकृष्ण साहब ने कह दिता सी, कहन लगे राजन एक वरी कहा लै, दस वरी कहा लै, औरंगजेब नू गुरु के दर्शन नहीं। ते जय सिंह ने जाके सची मुची दस दिता। फिर औरंगजेब ने कहा सी जे दर्शन नहीं ते मेरी सल्तनत मेरे राज भाग संबंधी मेनू कोई उपदेश, मेरे तन गुरु हर कृष्ण साहब जी ने गुरु की बाणी विचो गुरु ग्रंथ साहब दे बचन दे के क्या। कहन लगे औरंगजेब नू ए पवित्र बचन सुना दियो, क्या खादा है क्या पहनदा होए, जामा नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या चौगुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या छे सुखाली, की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मैली वास, पर नानक सच्चे ना बिन सबे टोल विनाश, जे तेरे कुल खानू पानू तख्त है, जे सत नाम वैगुरु नहीं, जो कुछ तू खाना पीना सब कुछ ये विनाश है, एदा कोई अर्थ नहीं। औरंगजेब ने बचन सुनिया, आप इन्हें कन्ना नाल इस बचन नु सुनिया ते अंदर थोड़ा जिहा जिहड़ा ओ प्रभाव कबूल कीता कि उम्र की ते दृढ़ता इतनी, पर पता नहीं सी उम्र नहीं, असल विच हजूर ने अपने जीवन विच पूरने पाए कि जे गुरता गद्दी ते उम्र दा तकाजा नहीं ते सिखी कमान लग्या भी किते भरम विच ना पै जाए, रहमता बच्चे ते बुढ़े उत्ते भी हो जाती है। इसे समय दे दरमियान दिल्ली विच एक भयानक बीमारी चली जिन्हों आपां चेचक दा रोग कहने, दिल्ली अंदर कुरलाट पै गया,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਵੋ, ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਤ ਜੀਵਾਏ, ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣ ਯਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੁਖ ਸਾਗੁਰ ਗੁਰ ਦਿਓ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਮੇਲ ਲੈ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਖੋਤ ਨਿਆਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮਕੀ ਫੰਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਤੁਦ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੇ, ਗੁਰ ਵੰਤਰਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੰਨ 1664 ਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਤਾਰ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਜਲ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੜ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਪਈਏ, ਸਵਾਹ ਪਈਏ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਤਾਪਦੀ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ
ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਏ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾਰ ਕਿਨੂੰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਕਿਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਬਕਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਨ 1664 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਸਨ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਭਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਣ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਾਵਰੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬੈਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਚੱਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ,
सिर तो पैरा तक रोम रोम चरना छिड़ गई। ते जिवे हर एक रोम रोम तन गुरु हरकृष्ण साहब कर रहा सी, किन्ने ने अंदरों आवाज आई तेरी मंजिल कुछ हो रे। उस दिन तो घरों तुरे है। उस गुरमुख ने बेअंत कुष्ट रोगी केवल शब्द की कृपा नाल, गुरु हरकृष्ण साहब की कृपा नाल आरोग ही नहीं होए। किंदा ओ बच्चे जेड़े मौत दे मुंह विच पए सन, अज ओ गुरु नानक साहब की बाणी का कीर्तन कर दे। जदों कि ओहदे आश्रम में जाए तो पहली गल इको गल कहिंदे ने बच्चे के गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते मत्था टेक के आए कोई जाए ते जे कोई कह नहीं किन्ने ओहदे तो सानू आरोगता मिली है तू ही मत्था टेकी अंदर दे कोड़ भी दूर कर देंदे ने। आओ उस गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शन करिए जिन्हों देखिया सारे दुखां दा नाश हो जांदा है। भावे वह मौत का दुख होवे, भावे वह तन का दुख होवे, भावे खौमे का रोग होवे, वो इन्नी कु रहमत करते ने ते जिदे ते गुरु हरकृष्ण साहब कृपा करदा पुर हिरदा बोल के कहेगा ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख अर अहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। तन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह करियो कृपा रहमत करके सिर ते छड़ी रख अपने अमृत बचना दी आप विचार करायो। एक अर्ज इत्थे कहिंदे ने ज्ञानी ठाकुर सिंह लिखदे ने जिस लाल चंद ने कहा सी बच्चा अर्थ कर सकदा है तो गुरु दर दा बनिया अमृत पान कीता ते चमकौर दी गड़ी विच शहीद होया। जिस झूर ते कृपा होई कहिंदे ओहदे घर विचों भाई साहिब भाई हिम्मत सिंह जी उन्हां ते रहमतां होईयां खोईयां भुल्लां बख्श दिया। जे गुरमुखो अरदास करियो जो आप जी नूं सुनाने आ कृपा करे मेरा दाता तुहाडी अरदास नाल किते किनका मात्र अंदर वस जाए। वाहिगुरु जी का खालसा।